ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा पढ़ ले जरा आँखों से। हमशा जाओ सदफ के पास, जो है छुपा। तुम नहीं मिलोगी उनसे? नहीं, वो कनाडा जाकर वापस आया है। तुम्हारे अब्बा की खबर सुन के तुम्हें मिलना चाहिए उससे। मैं नहीं मिलूंगी। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बताओ मुझे। बता नहीं सकती। और जब उनके पास जॉब करोगी तब क्या करोगी? तब तो मिलना पड़ेगा। नहीं मिलना पड़ेगा। मैं उनके यहां जॉब नहीं करूंगी। अपने आखिरी खत में बाबा ने उनका नाम लेकर कहा था कि उनके अलावा किसी पे एतबार मत करना। मैंने जब होश संभाला तो उनको पापा के साथ देखा। कारोबार में आया तो उनको अपने पास कभी वहम भी नहीं हुआ कि वो मर जाएंगे। मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगा कि उनके चले जाने से मुझे कितना नुकसान हुआ है। आप प्लीज हिम्मत से काम लीजिए, प्लीज। ये मेरा बेटा है। सब यार जी, हाय हाय। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूं, ऐसी जगह पर जहां तुम्हारे अब्बा ने जिंदगी के 30 साल दे दिए, तुम काम करने से इनकार क्यों कर रही हो? नौकरी की जरूरत नहीं है या फिर बिलाल अब्दुल्ला से भी अच्छी ऑफर है तुम्हारे पास? I want to get only what I deserve. मुझसे ज्यादा कुछ भी नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? O लेवल कर रहा हूं। ग्रेट। मिर्जा साहब ने कभी मेरे बारे में बात की? Yes. He was very fond of you. वो
कहते थे यू आर अ वंडरफुल बिजनेस लीडर. एंड यू नो उनसे मेरा एक रिश्ता भी था. ही वाज जस्ट लाइक माय फादर. यस आई नो. तो इस नाते से आई एम योर एल्डर ब्रदर. तो मुझे भाई समझ के बताओ कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं. कुछ भी नहीं. इसका मतलब है आपका बहुत शुक्रिया. आप बस दुआओं में हमें याद रखिएगा. नहीं, इसका ये मतलब नहीं था. ये क्यों कहा आपने? You don't want me to do anything for your family? No. वो मेरी बहन है ना, वो कभी नहीं मानेगी. बस साफ कहेगी नो. मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? सो गई है शायद. तो वो हमशा कहाँ है? हमशा बता रही थी कि यूनिवर्सिटी में वो सदफ की सीनियर थी. साढ़े दस बज गए थे, मुझे चलना चाहिए. जी आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कभी लगे कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ प्लीज मुझे बताइएगा. आपका बहुत शुक्रिया. आपने यहाँ आकर हमें बहुत इज्जत दी. मेरी जरूरत ना भी पड़े तो मेरा कार्ड संभाल के रखिएगा. शुक्रिया. ओके यंग मैन, जल्द मुलाकात होगी.